जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर रोमचो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार उत्साह प्रदान हमें करने के लिए। अगर आप नए व्यूअर हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, ताकि आपको हमेशा नए और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो उपलब्ध हो पाए। तो चैनल से जुड़ना बनता है दोस्तों, चैनल से जुड़े, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर कि मैं कौन हूँ, कि मैं कौन हूँ। हमेशा आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे बारे में मैं क्या हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। कई सारे स्वयं को जानने की एक कला और एक स्वयं को जानने की हर व्यक्ति को भूख होती है। हर शिक्षित लोगों को, हर प्रशिक्षित लोगों को, हर जिज्ञासु व्यक्ति को ये भूख होती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं कौन हूँ ये प्रश्न अगर आपको कोंद रहा है, तो आप शायद इस वीडियो से एक मार्ग आपको मिल जाएगा कि जिससे आप बहुत सी चीज़ें आपके बारे में जान सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आपके बारे में जान सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो आप नहीं जानते उन पर भी आप अपना प्रकाश डाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं कौन हूँ, ये खुद से जब भी प्रश्न पूछेंगे, मैं एक शरीर हूँ, एक आत्मा है, मेरे मेरे शरीर है, आँख है, कान है, नाक है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इनसे नहीं। मैं कौन हूँ, आप खुद से इस प्रश्न को ज़रूर पूछें। मैं कौन हूँ के अंदर जो सब टाइटल वाले प्रश्न हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी इच्छाएँ क्या हैं, मैं ईश्वर को किस दृष्टिकोण से देखता हूँ, मैं इस प्रकृति को किस दृष्टिकोण से देखता हूँ, और मैं लोगों के बारे में क्या सोचता हूँ, इन चीज़ों का एनालिसिस आप खुद स्वयं करेंगे। क्योंकि आप जब इन चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, तो उन एनालिसिस में दूसरी चीज़ ये ज़रूर ऐड करके रखना है कि जो दुनिया ने आपको सिखाया है, अभी तक आप बड़े हुए हैं, आपके परिवार ने, माता पिता ने जो आपको अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन जो समाज आपको एक अलग तरह की शिक्षा देता है, अच्छे बुरे की जो जानने की इच्छाएँ हैं, वो शिक्षा, और जब आप खुद से जो बेसिक प्रश्न पूछेंगे, उन दोनों को जरूर अंतर महसूस करें कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब थोड़ा सा आपको उलझन सा लग रहा होगा मेरी बात सुनने में, लेकिन इसका वास्तविकता आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ कि आपको जो समाज ने सिखाया है, या परिवार ने सिखाया, या हालातों ने सिखाया है, उस चीज़ को, और जो सही चीज़ है कि लोगों को कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, एक बेसिक शिक्षा है ये। लेकिन बहुत से लोगों को ये होता है कि जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। समझिए मेरी बात को, समझने की कोशिश करिए। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को खुद एक आकलन करेंगे, तो आपको एक नई चीज़ महसूस होगी और खुद सच के करीब होगी, ये गलत है यार, ये सही है भाई। तो इन दोनों चीज़ों के बीच जो डिफरेंस जब आपको महसूस होने लग जाएगा, तब आप खुद को जान पाएंगे और खुद को महसूस कर पाएंगे, और खुद की जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें आप जान पाएंगे। पहली बात, इस बात को थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर आपको नहीं समझ आया ये बात, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाकर इस बात को आपको समझाऊंगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ ये आ गई होगी। दूसरी बात है कि मैं कौन हूँ, मैं खुद की प्रकृति को जाने, खुद की प्रकृति को जाने कि कहाँ मैं किस तरह से बात करता हूँ, कहीं मेरा शब्दकोश किस तरह का है, मैं कोई टोन मेरा गलत तो नहीं है बात करने का, इन मेरी बात करने की जो शुरुआत है वो कहीं गलत तो नहीं है, खुद का एनालिसिस करके इन चीज़ों को आप सही करेंगे। तो दोस्तों, जब तक आप इन चीज़ों को सही करेंगे, और सही करने के बाद आपके मन में अखंड श्रद्धा का जागृत होगी, आप विनम्र, सहज और सरल हो जाएंगे, और जीवन जीने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ये केवल बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की। इसके बाद मैं अगला वीडियो लेके आपके लिए आऊँगा, तब तक आप दोस्तों चैनल से बने रहें, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चैनल से बने रहें दोस्तों। मैं और अच्छे से एक और वीडियो इसके बाद, जो नेक्स्ट स्टेप है मैं कौन हूँ, वो आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इन चीज़ों समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।